महात्मा गांधी जातिर पिता भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो महानायक अहिंसा को माध्यम करी दीर्घ 200 वर्षर इंग्रेज शासन को भारत माटी विदा करिबारे मुख्य मुखिया थिबा महात्मा गांधी कर ओडिया जातिर मौड़मणि प्रति ओडिया घरर मुरबी ओडियांक परिचय प्रभु श्री जगन्नाथंक प्रति किपरि थिला मनोभाव जगन्नाथंक भक्ति करुथिले ना नाही महात्मा गांधी निज पत्नी कस्तूरबांक श्रीमंदिर प्रवेश को निंदा करितवा महात्मा गांधी कौन विचारुथिले जगन्नाथंक ने ए सब प्रश्नर उत्तर खोजिबा आज रही रिपोर्ट रे। नमस्कार मु अपूर्व आपण देखुछंती निरपेक्ष। 1904 अगस्त 20 दक्षिण आफ्रिका रे रहुतबा मोहनदास करमचांद गांधी सेठारे थिबा भारतीय मानंक मध्यरे जातिगत एवं श्रेणीगत भेदभाव को दूर करिबा को जई निज द्वारा प्रतिष्ठित इंडियन ओपिनियन पत्रिकारे लेखंती जे एठा को आसीबा बेले तुमे माने एही जाति एवं श्रेणीगत विभेद को सेठारे छाड़ी दे आसिल नाही काहे के छुआ अछुआ भावना को संपत्ति करी एठा को नै काहे आसी छ एठारे समस्ते भारतीय होई रहिबा उचित ठीक जेमिति पुरी रे देखिबा को मिले। से आहुरी मध्य लेखंती जे पुरी रे जाति और श्रेणीगत विविधता नाही मंदिर भितर को चली गले समस्ते एक कांधरे कांध मिसाई महाप्रभु जगन्नाथंक दर्शन करंती समस्ते जाति वर्ण निर्विशेषे समस्ते एकाठी बसी महाप्रसाद सेवन करंती। सेठारे थिबा भारतीयंक मध्यरे जातिगत विद्वेष दूर करिबा पई महाप्रभुंक महान परंपरा को उदाहरण भावे सामना को आणंती महात्मा गांधी। तेबे सबुठारु आश्चर्यर कथा से पर्यंत महाप्रभु श्री जगन्नाथंकु केबे मध्य दर्शन करिनथांती मोहनदास करमचांद गांधी। पिलाबेळु गांधीजी निज मा पुतुली बाईंक ठारु श्री जगन्नाथंक महिमा संपर्करे शुणि एइभळी अभिव्यक्ति रखिथिले। प्रथम थर पई अंतर्जातीय स्तररे महात्मा गांधी निज आर्टिकल दि युजेस अफ आडभर्सिटी जरियारे प्रभु श्री जगन्नाथंकु सांस्कृतिक सहंतिर एकाकी प्रतिनिधि भावरे उपस्थापन करिथिले। महात्मा गांधीको उपरे गवेषणारत लेखक गौरांग चरण परिडा निज पुस्तकरे एने उल्लेख करिछन्ति। सेहीपरि गांधीजीक जगन्नाथ दर्शन को नहीं श्री परिडा मध्य लिखिछन्ति महात्मा गांधी निज जीवन काल मध्यरे ओडिशा को 8 थर आसीथिबा बेले 1921 1934 एवं 1938 पुरी भ्रमण बेले विभिन्न सम्मेलनी रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुक बाबदरे प्रशंसा करिछन्ति। 1921 मार्च 27 रे पुरी रे गांधी सेवा सम्मेलनी रे जोग देबा को आसीथिबा बेले निज जीवन काल मध्यरे थरे मात्र प्रथम थर पई आउ शेष थर पई मध्य महाप्रभुक दर्शन करी अभिभूत होइथिले। तेबे हरिजन पदयात्रा समय रे दलितंकु श्रीमंदिर को प्रवेश पई अनुमति दिया न जिबारु एहाकु ने निराश सेवा सहित घोर असंतोष व्यक्त करिथिले महात्मा गांधी। जेउ मंदिर को दलित प्रवेश करि पारु नाहंती दलितंक प्रवेश को ग्रहण करा जे पारु नाही सेही मंदिर को जाई पत्नी कस्तूरबा श्री जगन्नाथंकु दर्शन करिबा गांधीजींकु पसंद आसिनथिला। एहाकु ने पति पत्नी का मध्यरे होइथिला मनोमालिन्य एवं परवर्ती समय रे जोरजार चर्चा होइथिला जे हिंदू मंदिर रे प्रवेश पई निज पत्नी को गाली देले महात्मा गांधी जहाँकि आदौ सठिक नुहे। सेहीपरि जगन्नाथ मंदिर को दलितों को बारण नहीं गांधीजी असंतोष देशव्यापी निया भली चारिआड़े व्यापे विभिन्न महल रे एहाकु नै तीव्र निंदा हेबारु मंदिर ख्याति रे मध्य आंच आसे। तेणु ए प्रसंग रे जवनिका टाणीबाकु 1938 मसीहा मार्च 30 रे पुरी डेलांगर बेरोबोई रे चलीथिबा सम्मेलनी रे पहुँचिथिले श्रीमंदिर बड़ पंडा। सेठारे गांधीजी को साक्षात करिबा अवसर रे बड़ पंडा गांधीजी को बुझाइथिले जे दलितंक मंदिर प्रवेश नै आपणंकु भूल सूचना दिया जाइछे खोद मंदिर रे हरिजन सेवा चालुथबा बेले दलितंक मंदिर प्रवेश उपरे कटकणा लागिबा केउभळी संभव तेणु दलितंकु श्रीमंदिर मना नै जे अपप्रचार हेउछि ता उपरे पूर्णच्छेद पकेबा पई आपण निजे किछि दलितंकु सांगरे नै श्रीमंदिर आसुंतु आमे आपणंकु निमंत्रण देउछु। मात्र सेतेबेळकु पुरी रे गांधीजींक शेष दिन थिबारु से मंदिर जाइपारि नथिले। सेइभळी ता परदिन अर्थात मार्च 31 रे गांधीजींकर मौन व्रत थिबारु से केउ आडे बाहरि नथिले आ परदिन से दिल्ली चले जाइथिले एवं यहाँ परे गांधीजी आउ केबे ओडिशा आसी नथिले। हुए तो गांधी जदि आउथिले ओडिशा आसीथांते तेबे श्रीमंदिर एवं गांधींकु नै हेउथबा अपप्रचार अंत होइ पारिथांता।
ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବି ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଲେଖାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସେ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୀର ସବରକର, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ, ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବି କେୟାରଫୁଲ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏଭଳି ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।